हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जावेद खान, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ECC द्वारका, सेक्टर 1। हमारी RCC की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन हमारा चल रहा था, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन को हमने कंप्लीट किया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आई थिंक हमारा कंप्लीट हो गया था, और मैंने वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाला था, हमने कंप्रेशन साइड से अलग निकला था, टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग निकला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कंप्रेशन साइड से कब कैलकुलेट करूँगा या टेंशन साइड से मैं कब कैलकुलेट करूँगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके आता हूँ। इसके बाद टाइप ऑफ सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका टाइप ऑफ सेक्शन बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ स्टील, बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ स्टील। बेसिकली आपके पास अमाउंट ऑफ स्टील के बेस बिहाफ पे आपके तीन टाइप के सेक्शन होते हैं। कितने टाइप के सेक्शन होते हैं? तीन टाइप के सेक्शन होते हैं, और SSC JEE ने इसको सोल्व मेंस के अंदर क्वेश्चन दिया था, और मेंस के अंदर क्वेश्चन ही पूरा पूछ लिया था, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सेक्शन। मतलब वहाँ पे अलग अलग पॉइंट दे रखा था। कितने टाइप के सेक्शन होते हैं? तीन टाइप के। पहला अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तीनों को थियोरेटिकली पूछ लिया था एक्सप्लेन करना, तो वो कहलाता है आपका टाइप ऑफ सेक्शन। नाउ यहाँ पे समझ लेते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले लिखता हूँ मैं, फर्स्ट हो गया आपके पास अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, सेकेंड वन हो जाएगा आपके पास बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। थर्ड वन हो जाएगा आपके पास ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन या ओवर, कोई इधर किसी भी तरह आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए अंडर रेनफोर्स, पहले मैं बेसिक डायग्राम बनाता हूँ, अभी नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रेन का डायग्राम बना दो, स्ट्रेन से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेन होगा, जो वैल्यू कितनी होती है 0.00, लिखी देता हूँ यहाँ पे 0.00। इधर कितनी होती है 0.002, 0.875 डिवाइड बाई ES, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल लिमिट। ऐसे अभी नॉर्मल डायग्राम, अभी मैं सेक्शन पे नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डायग्राम सभी का बना देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बहुत इजीली हो जाए। एक्चुअल लिमिट यहाँ डाटा बाई का डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे पॉइंट हो गया मेरे पास, ये भी आपके पास वैल्यू किसकी होगी? एक्चुअल लिमिट की, ठीक है। चलिए नाउ अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ये तो मैंने बेसिक डाटा लिख दिया, मुझे पता है मैक्सिमम या लिमिटिंग स्ट्रेन यहाँ पे होता है, और ये किस पे डिपेंड करता था? ग्रेड ऑफ स्टील पे। अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील की डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा कितनी वैल्यू मेरे पास एक्चुअल लिमिट है। नाउ अब आता अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन जैसे नाम से बता रहा, नाम से क्या बता रहा आपको? अंडर है। अंडर का मतलब क्या हो गया? अंडर है, कोई कम है बोल सकते हो भाई। अंडर एज है मतलब क्या? उसकी एज कम है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अंडर का मतलब क्या हो गया? कम। क्या कम है? रीइन्फोर्समेंट कम है हमारे सेक्शन में। जितनी रीइन्फोर्समेंट मेरी होनी चाहिए थी उससे रीइन्फोर्समेंट क्या है? कम है। उस सेक्शन को आप बोलोगे अंडर रीइन्फोर्स्ड सेक्शन। ऐसे जितनी स्टील की रिक्वायरमेंट थी उससे क्या आपकी स्टील आपकी ज़्यादा आपने प्रोवाइड कर दी, उस सेक्शन को आप बोलोगे क्या? ओवर रीइन्फोर्स्ड सेक्शन है। बहुत बेसिक आइडिया हुआ। देखो बैलेंस्ड सेक्शन को बेसिकली प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बीच में एक वर्ड आ गया बैलेंस्ड सेक्शन, जिसकी जितनी स्टील मुझे रिक्वायरमेंट थी उतना ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तीनों का ओवरव्यू समझ में आया नाम? आगे देखो अंडर में क्या है, स्टील कम है आपके पास। अंडर में क्या आपके पास? स्टील कम प्रोवाइड करो। ओवर में क्या कर रहे हो आप? स्टील ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। अब कम स्टील प्रोवाइड करने से या ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करने से आपका स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, ठीक है। नाउ जब मैं बात करता हूँ स्टील जितनी रिक्वायरमेंट थी आपने उस स्टील को क्या किया? कम प्रोवाइड किया।
अगर स्टील आपने कम प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली कम क्या होगा, ये आपके पास पहले फेल कर जाएगा। ये क्या होगा, कम है, कम है का तो मतलब क्या होगा, पहले फेल कर जाएगा। और कंक्रीट क्या, कंक्रीट आपने जितना था रिक्वायरमेंट कर दिया, कंक्रीट आपके पास परमिसिबल लिमिट तक रीच हो जाता है, स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट तक रीच यानी कि नहीं पहुंच पाता है, और उसी टाइम पे आपका सेक्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ इस पॉइंट को, दोबारा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया वैल्यू, सीधा तभी बोलते थे आप एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट। मतलब क्या, देखो ध्यान से, मैंने लाइन क्या बनाया, प्रैक्टिकल समझो, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, दो टीम आपके पास, एक ए टीम है, दूसरी टीम क्या आपके पास बी टीम है। ए टीम में फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, बी टीम में फॉर एग्जांपल कितना, एग्जांपल के लिए मान रहा 100 लोग हैं। ठीक है, दोनों के हर बंदे कैपेसिटी बराबर है, दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई हो रही है, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई गेम हो रहा है। तो नॉर्मल आपके पास आप बोल सकते हो कि जो ए टीम है ना वो क्या 10 लोग है, 10 लोग क्या पहले फेल करेंगे, क्योंकि लोग क्या वो कम है, जितने रिक्वायरमेंट होने चाहिए उससे क्या है कम है, कम है तो डेफिनेटली ए टीम जल्द पहले फॉल होगी। यानी कि सबकी जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट था, सब जितना लड़ सकते थे, जितना खेल सकते थे, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक खेले, और फिर क्या करेंगे, वो हार जाएगा, अपने आप को क्या करेंगे, सिलेंडर कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके पास जो दूसरी बी टीम थी वो क्या अभी अपने, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक कई बार पहुंच भी नहीं पाते, नॉर्मल कंडीशन मान लेंगे उसने भी अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्या किया, रीच किया। तो वही प्रैक्टिकल एग्जांपल, दोबारा देखो ध्यान से, आपकी जो ए टीम थी यानी कि स्टील जो आपने प्रोवाइड किया, कम प्रोवाइड किया, जब स्टील आपने कम प्रोवाइड किया डेफिनेटली स्टील के अंदर क्या होगा, फेलियर जनरेट हो जाएगा। तो स्टील आपने कम प्रोवाइड किया, स्टील क्या करेगा, फेल करना स्टार्ट करेगा, और उसी टाइम पे जिस टाइम पे स्टील फेल करेगा, स्टील कॉन्क्रीट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच चुका होता है, कॉन्क्रीट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच चुका होता है। जब एट द टाइम ऑफ फेलियर पे एक स्ट्रेन डायग्राम जो मैं बनाऊंगा, जो न्यूट्रल एक्सिस मुझे मिलेगा, वो मिलेगा मुझे क्या, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। वो क्या मिलेगा आपके पास, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। और अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, सॉरी ये मोर देन हो जाएगा, किससे, एक्चुअल लिमिट से। अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में एक्चुअल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन हो जाएगा आपके पास एक्चुअल लिमिट से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, नेक्स्ट पॉइंट से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से डायग्राम में बता रहा है ना आपके पास, अगर मैं इसको बात करूँ, ये वाला एक्चुअल है, ठीक है, फेलियर का टाइम पे, तो एक्स यू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, एक्स यू से।